श्योपुर में दिन दहाड़े बदमाशों ने किया युवक के साथ लूट का प्रयास। घटना में नितिन गर्ग हुआ घायल। फायरिंग का किया प्रयास मगर गोली ना चल सकी। शहर में अज्ञात बदमाशों द्वारा भरी दोपहर सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। बंदूक की नोक पर लूट का प्रयास किया गया है। बदमाशों ने फायर करने तक की कोशिश की थी मगर बंदूक से फायर न होने की वजह से बंदूक के पट से आरोपियों ने किया युवक पर हमला। घायल युवक नितिन गर्ग के पास लगभग 9 लाख रुपए थे। ICICI बैंक के पास की घटना। दो अज्ञात आरोपी फरार। घायल का हाल जाने अस्पताल पहुंचे SP वीरेंद्र जैन। कोतवाली थाना क्षेत्र की पूरी घटना। पुलिस बदमाशों की खोज में जुटी। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। श्योपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भतीजा IDI बैंक से पेमेंट निकाल के जा रहा था वो उसके घर, तो गुलनार जूस और ICICI बैंक के बगल से जो गली है उसके पीछे उसका घर है। तो दो लुटेरे आए, उन्होंने पहले तो कट्टा चलाने की कोशिश की। जब कट्टा उनका नहीं चला, उनका राउंड नीचे गिर गया, तो उन्होंने बट से सिर में मारी और मेरा भतीजा बेहोश हो गया और नीचे गिर गया। और उन्होंने प्रयास पूरा करा लेकिन उससे बैग नहीं छीन पाए, वो मरते मरते बचा और अभी हॉस्पिटल में है। और अभी व्यापार मंडल और अग्रवाल समाज दोनों मिलके अगर 2 घंटे में घटना की पूरी चोर पकड़ में नहीं आते हैं, लुटेरे पकड़ में नहीं आते हैं, तो पूरा श्योपुर बंद कराएंगे और धरना देंगे। अभी मौके पे पुलिस अधीक्षक जी आए थे, उन्होंने मौका मुआयना किया है, उन्होंने हमें को आश्वासन दिया है 2 घंटे का। 2 घंटे के बाद हम धरना देंगे, हम कोई की नहीं सुनेंगे इसमें। 10 लाख रुपए की लूट करने का प्रयास किया गया था। 2 बैंक से पैसे निकाले गए थे, तो पहले ICICI से निकाल के पहुंच चुका था, फिर वो बाद में IDBI से पैसे निकाल के जा रहा था। कितना अमाउंट था? अमाउंट 90,000 रुपए करीब थे।